सर ये गोवा पुलिस हरियाणा में गई है सर, क्या स्टेटस है, स्टेटस रिपोर्ट भी आपने सौंपा है? एक तो कल हमने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो सीएम और डीजीपी लेवल पे भेजा था वो रिपोर्ट मैंने भेज दिया है सीएम को, और डीजीपी ने डीजीपी लेवल पे भेज दिया है। ये इंक्वायरी अभी डीवाईएसपी लेवल का ऑफिसर यहाँ पे इंक्वायरी करेगा, पहले पीआई लेवल के ऑफिसर पे थी। और हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम आज ऑलरेडी डेप्यूट की है, आज ये हरियाणा के लिए रवाना हो जाएंगे। दे आर डूइंग दिस इन्वेस्टिगेशन थॉरोली, तो आई थिंक मुझे लगता है कि इससे जो कोई कल्प्रिट है वो फाइंड आउट होगा। सर मोटिव पता चला है अब तक, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है अब तक इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन सर, अभी तक के जो स्टेटस पता चला है, लगता है कि केस सीबीआई को देना चाहिए कि गोवा पुलिस ने केस सॉल्व कर लिया है? बहुत अच्छी तरह सर, ये गोवा पुलिस हरियाणा में गई है सर, क्या स्टेटस है, स्टेटस रिपोर्ट भी आपने सौंपा है? एक तो कल हमने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो सीएम और डीजीपी लेवल पे भेजा था वो रिपोर्ट मैंने भेज दिया है सीएम को, और डीजीपी ने डीजीपी लेवल पे भेज दिया है। ये इंक्वायरी अभी डीवाईएसपी लेवल का ऑफिसर यहाँ पे इंक्वायरी करेगा, पहले पीआई लेवल के ऑफिसर पे थी। और हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम आज ऑलरेडी डेप्यूट की है, आज ये हरियाणा के लिए रवाना हो जाएंगे। दे आर डूइंग दिस इन्वेस्टिगेशन थॉरोली, तो आई थिंक मुझे लगता है कि इससे जो कोई कल्प्रिट है वो फाइंड आउट होगा। सर मोटिव पता चला है अब तक, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है अब तक इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन सर, अभी तक के जो स्टेटस पता चला है, लगता है कि केस सीबीआई को देना चाहिए कि गोवा पुलिस ने केस सॉल्व कर लिया है? बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन।